बहुत ज़रूरी था, एक कॉन्फिडेंस देना था नौजवानों को कि यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो चुका है, बस देश का एजेंडा चलेगा और तरक्की, देश को देखो, पीस, अमन, स्टार्टअप्स, न्यू एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ, कैसे हम प्रॉस्पर करेंगे, कैसे स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ करेंगे, ये जो पागलपन ने यहाँ देखा था उसको बंद करने के इस कारण हमने ये इंडिकेशन दे दी है। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जहां पर पाकिस्तान की सोच, मानसिकता और मानसिकता वाले लोग दर्शाते थे और वहां के युवाओं को, कश्मीर घाटी के युवाओं को भड़काने का प्रयास करते थे। पत्थरबाजी आपने देखी होगी, गो बैक गो के नारे वहां पर लगाए जाते थे, किस तरह से युवाओं को, उनकी मानसिकताओं को बदलने का प्रयास किया जाता था। आज उसी जगह पर, आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दरवाजे पर संदीप मावा का जिक्र करें तो उनके द्वारा देश का तिरंगा वहां पर लगाया गया। आज वो तस्वीरें भी आप देखिए और संदीप मावा से भी हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पर, चलिए सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। ये हुर्रियत अलगाववाद का, सेपरेटिस्ट का बड़ा एक मूवमेंट चलाते थे पाकिस्तान के इशारे पर, और पाकिस्तान और हुर्रियत ने मिल के कश्मीरियों को बर्बाद किया है, लोगों माओं को बेवा किया है, उनके बच्चे बर्बाद कर दिए हैं। अब आज़ादी का वो नारा तो फेल कर दिया, अब हमारे बच्चों को ड्रग्स में मुलव्वस करके नई सियासत कर रहे हैं। इस कारण हम उनको ये बताना चाहते हैं कि देश का एजेंडा, वो अपना ये एजेंडा जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा, उसको ख़त्म करके देश का एजेंडा, हिंदुस्तान का एजेंडा, कश्मीर का एजेंडा, कश्मीर को तरक्की, रोज़गार, स्टार्टअप्स, नौजवानों को रोज़गार, कारोबार, सॉफ्ट लोन्स पैकेजेस दें। बस इसी कारण हमने सिर्फ ये बताया कि अब हुर्रियत का दफ्तर भी हिंदुस्तानी दफ्तर हो गया, इस कारण हमने आज इससे ये बताना चाहते हैं कि कितना मजबूत हो गया पाकिस्तान के जो इरादे थे वो सारे बेनकाब हो गए और हिंदुस्तान की तकमील कितनी मजबूत हो गई। अब सिर्फ कश्मीरी को हमें हीलिंग टच देना है, सच में जो उसको पिछले 32 साल से गुमराह किया गया, मरवाया गया, लुटाया गया, बर्बाद किया गया, ड्रग्स में, गन्स में, PSAs, वो सब, उससे उसको नजात दे के हिंदुस्तान और कश्मीर मिलके अवम की राह पे चलेंगे और कश्मीर को आबाद। बहुत ज़रूरी था, एक कॉन्फिडेंस देना था नौजवानों को कि यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो चुका है, बस देश का एजेंडा चलेगा और तरक्की, देश को देखो, पीस, अमन, स्टार्टअप्स, न्यू एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ, कैसे हम प्रॉस्पर करेंगे, कैसे स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ करेंगे, ये जो पागलपन ने यहाँ देखा था उसको बंद करने के इस कारण हमने ये इंडिकेशन दे दी है। सरकार को देना चाहिए, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। खैर, हमने तो खुद बनवाया, मेड इन कश्मीर है ये झंडा। सिर्फ ये बताना था कि कश्मीर अमन की राह पर चलेगा, अलगाववाद का नाश होगा। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, नए नए ख्वाब दिखा के बर्बाद कर रहे हैं। बस हम नौजवानों से और उनके उनके लवाकिन से, उनके माँ बाप से ये इल्तिजा करते हैं कि अपने बच्चों को गुमराह मत करवाइए, उनको पूरी नज़र रखिए, उनको देश की राह पे, उनको क्या चाहिए, तरक्की चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, उसके लिए जो आप कहेंगे हम करेंगे, लेकिन ये अलगाववाद का रास्ता छोड़ के बस तकमील करें नए कश्मीर की, नए भारत की। पाकिस्तान की मानसिकता को नहीं पनपने देगा जम्मू कश्मीर की नए इतिहास का अगर जिक्र करते हैं। नए इतिहास में आपने सुना होगा कि किस तरह से आज बदलती हुई तस्वीरें नजर आई हैं। इस वक्त संदीप मावा को आप सुन रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है कि कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तानी मानसिकता को दर्शाया जाता था, युवाओं को बरगलाया जाता था, अब जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं को नशेखोरे की तरफ पाकिस्तान पनपनाने की कोशिश कर रहा है। मगर आपको बता दे कि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ऐसी कोशिश को लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस विफल करेंगी। मगर आज इसके साथ साथ एक बार फिर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा जवाब जो है संदीप मावा की तरफ से दिया गया है और आज उन्हीं के गेट पर वह तिरंगा लगाया गया और इसके साथ साथ आज वही जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे आज वो चुप बैठे हैं और जो मानसिकताएं बनाई जाती थी, दर्शाई जाती थी, आज उसी को लेकर एक बड़ा जवाब, धारा 370 के बाद ये एक बड़ी कामयाबी और ये एक बड़ा इतिहास में अगर बताएं तो एक ये नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर साफ तौर पर नजर आई है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, मगर आप इस खबर को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप बने रहें आज खबर के साथ। अनिल शर्मा की रिपोर्ट,
कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।